जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का naukrikhabar.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BOB बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आ चुकी साल 2022 के आखिरी की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए BC सुपरवाइजर की पोस्ट पर भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए ऑफलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, आप सभी को आने वाली 28 दिसंबर 2022 तक ऑफलाइन आवेदन कर देने हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और दिए गए पते पर भेजना होगा। पहले तो सबसे पहले आपको क्या जानकारी फिल करनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी जिस वजह से आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाए, इसके बारे में आपको इस वीडियो में आगे जानकारी दी जाएगी। नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग 10वीं 12वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप लोगों का सपना है बैंक के अंदर जॉब करने का, आप लोग BOB बैंक को ज्वाइन करना चाहते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करना आपका ड्रीम जॉब है, तो आप सभी लोग आज की इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इसके साथ अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूंगा जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। पहली और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि आपको सुपरवाइजर की पोस्ट वैकेंसीज के ऊपर भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। साथ में वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसी है, साथ ही साथ ऑल इंडिया लेवल की जॉब है जहां पर मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात कि बिना किसी एग्जाम के केवल और केवल इंटरव्यू के बेस पे आप सभी का चयन होने वाला है। इंटरव्यू की डेट, टाइम और एड्रेस आपको आगे बताया जाएगा। साथ में 18 साल से लेकर 65 साल का कोई भी कैंडिडेट यहां पे आवेदन कर सकता है। तो चलिए अभी हम नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे और आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिखाएंगे, कौन सी गलतियां नहीं करनी इसके बारे में बताएंगे, क्या जानकारी फिल करनी इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, जहां पे आपको बताया गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ यहां पे BC सुपरवाइजर की पोस्ट पर भर्तियों के नोटिफिकेशन निकाले गए हैं, जहां पे आपको ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। ऑफलाइन आवेदन करने की डेट यहां पे देख सकते हैं, आपको 28/12/2022 यानी कि 28 दिसंबर शाम के 4 बजे तक का समय दिया गया है। अगर आप लोग यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर भी डेट मिल जाएगी, डेट ऑफ सबमिशन, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन अप्लीकेशन 28/12/2022, और इसकी डिटेल आप लोग ले सकते हैं www.bankofbaroda.co.in कैरियर डिटेल में जाके। आगे आपको बताएंगे 5/12/2022 यानी कि 5 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, आप लोग यहां से क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज मिलेगा जहां पे आपको जानकारी दी गई है कि आप लोग यहां पे डेट इशू का बताया गया है कि यहां पे आपको सुपरवाइजर की वैकेंसियां मिलेंगी, यहां पे बताया गया है। साथ में आपको बताया गया है कि डेट ऑफ इशू पेपर एडवर्टाइजमेंट, यहां पे देखिए 7/12/2022 यानी कि 7 दिसंबर के दिन इशू किया गया है। आखिरी डेट के बारे में बताया गया कि यहां पे देख सकते हैं आप लोग 28/12/2022 यानी कि 28 दिसंबर शाम के 4 बजे तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा यहां पे देखें एडवर्टाइजमेंट ऑन बैंक वेबसाइट, यहां पे रिटायर्ड वालों के लिए भी वैकेंसी है, और साथ में यहां पे फॉर एंग कैंडिडेट यानी कि जो एंग कैंडिडेट है, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट है, उनके लिए भी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन है। साथ में यहां से नीचे आएंगे तो आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, और नीचे आने पर आपको वेतन के बारे में जानकारी दी गई है। 15,000 रुपये यहाँ पे फिक्स किया गया है अभी स्टार्टिंग का, जहाँ पे आपको BC सुपरवाइजर की वैकेंसियाँ मिलेंगी। साथ में यहाँ पे कुछ और भी बताया गया, आप लोग स्कोरिंग के हिसाब से देख सकते हैं। और इसके बाद जब आप लोग नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड रिव्यू के बारे में, साथ ही साथ यहाँ पे टर्मिनेशन फॉर सर्विसेज के बारे में बताया गया है, इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में बताया गया, देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन ड्यू कोर्स, यानी कि आपको बोला गया कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट डेट अप्लीकेशन फॉर्म का बताया गया 28/12/2022 यानी कि 28 दिसंबर के दिन का। यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया, इसी एड्रेस के अंदर आपको भर के सेंड करना होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म को। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे है देख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सुपरवाइजर की पोस्ट है, जहाँ पे आपको एपेक्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इट मीन्स कि यहाँ पे आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अटैच करनी होगी।
देन बात करते हैं जानकारी के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की डेट पूछी गई है जो कि 7 तारीख को मेंशन किया गया है, 7 दिसंबर 2022 के दिन। इसके बाद अपना फुल नेम डालेंगे, फादर्स या हस्बैंड नेम डालेंगे, जेंडर मेल फीमेल, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको एड्रेस डालना है, सबसे पहले करेंट का एड्रेस जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, इसके बाद आधार कार्ड वाला परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे जहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और एक अपनी ईमेल आईडी जहां से आपको इंटरव्यू के बारे में जानकारी दी जा सके। अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, साथ ही साथ यहां पे डिसेबिलिटी अगर है तो यस और नो करना है, पीडब्ल्यूडी, और इसके बाद यहां पे देख सकते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी पूछी गई। अगर आप लोग यहां पे रिटायर्ड पर्सन एक्सपीरियंस है तो आपको जानकारी दे देनी है, अगर आप लोग यंग कैंडिडेट है तो यहां पे नो कर देना है, नो एक्सपीरियंस। और इसके बाद यहां पे अपना अगर एक्सपीरियंस है तो यहां पे सीरियल नंबर डाल देंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन और फ्रॉम टू से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डाल देनी है, क्या आपका वहां पे काम था। उसके बाद यहां पे देखें नेम एंड एड्रेस ऑफ टू रेफरेंस, यहां पे टू रेफरेंस डाल देना नोटिफिकेशन के हिसाब से। प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर वर्किंग, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करना चाहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस में, सेकंड, थर्ड में, आपको चॉइस के हिसाब से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे डालना है एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो कि इस फॉरम से रिलेटेड हो, आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे डिक्लेरेशन मिलेगा जहाँ पे यहाँ पे डेट डाल देना है, नोटिफिकेशन मेंशन और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट और प्लेस और डेट के साथ यहाँ पे कुछ फॉरम के साथ आपको फोटो कॉपी अटैच करनी होगी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इसके बाद डॉक्यूमेंट करेंट एड्रेस का, 10th 12th और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ अगर आप लोगों ने यहाँ पे रिटायर्ड पर्सन का लगाया हुआ है तो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। काफी सिंपल सा फॉर्म है, आप लोग भर सकते हैं इसको, अगर कोई दिक्कत होती है आप लोग बताइएगा। अभी आगे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे जहां से आपको फॉर्म प्लस नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं BOB बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आ चुकी भर्ती 2022 के बारे में, जिसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। मैंने आप सभी को नोटिफिकेशन और ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा दिया है। आने वाली 28 दिसंबर 2022 तक आपको आवेदन करना है, ऑफलाइन तरीके से आवेदन करेंगे जहाँ पर आपको सुपरवाइजर की पोस्ट वैकेंसीज के ऊपर आवेदन करना होगा। महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया बल्कि आपको जॉब मिलेगी, 18 से 65 साल के एज के कैंडिडेट यहां पे आसानी से आवेदन कर पाएंगे। बिना किसी एग्जाम के आपको केवल और केवल इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन पाना होगा जो कि नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा तो क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद देख पाएंगे jobvacancyforum.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। गूगल पे जाके भी आप लोग jobvacancyforum.com टाइप कर सकते हैं। यहाँ से आने के बाद आप लोग देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा BOB रिक्रूटमेंट है और इसी के साथ यहाँ पे आपको अप्लाई ऑफलाइन सुपरवाइजर पोस्ट वैकेंसीज के लिए आवेदन करने होंगे। देन बात करते हैं नीचे आएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा आपका डिपार्टमेंट है जहां पे आपको BC सुपरवाइजर की पोस्ट मिलेंगी और वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, ऑलरेडी फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। आप सभी को आने वाली 28 दिसंबर 2022 तक आवेदन जरूर से कर देना है। 10th 12th और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट यहां पे इजीली आवेदन कर सकते हैं, 65 साल तक के कैंडिडेट यहां पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपका चयन इंटरव्यू के बेस पे होना है, साथ में आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई किए जाएंगे। देन बात करते हैं वेतन के बारे में, 15,000 रुपये फिक्स किया गया है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहां पे आपकी एप्लीकेशन फीस है जो कि बिल्कुल फ्री होने वाली है, इट मीन्स कि आप सभी लोग निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। देन बात करते हैं कैसे आपको आवेदन करना है, यहाँ पर सारी जानकारी आपको दे दी गई है। आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फुल नोटिफिकेशन चाहिए प्लस आपको यहाँ पे अगर ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का PDF चाहिए, उसके लिए आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे सारी जानकारी रीड करने के बाद अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे लीव कमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे टाइप करना है कि आपको नोटिफिकेशन चाहिए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए और डिटेल एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे अपना
क्वेरीज को लिख के अपना नाम लिखेंगे और पोस्ट कमेंट की बटन पे क्लिक कर देंगे। ड्यू टू टेक्निकल रीजंस अभी हम लिंक प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में आपको यहाँ पे सभी भर्तियों के डायरेक्ट लिंक मिला करेंगे, इसीलिए आप लोग विजिट करते रहिए। तब तक के लिए आप लोग यहाँ पे पोस्ट कमेंट की बटन पे क्लिक करिए और क्या चाहिए आपको यहाँ पे विजिट करिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमें गूगल न्यूज के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे आपको बटन मिलेगी फॉलो करिए, टेलीग्राम ग्रुप की बटन यहाँ पे मिलेगी, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे अपडेट दी जाती है। यूट्यूब चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।